हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने वूट पर असुर नाम की एक वेब सीरीज देखी और ये एक इंडियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो है। असुर को उनी सेन ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं। इस वीडियो में मैं रेटिंग्स वगैरह की बातें नहीं करूंगा क्योंकि रेटिंग्स अभी बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, पर मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि इस सीरीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। असुर इंडियन माइथोलॉजी से काफ़ी इंस्पायर्ड है और इस शो में फॉरेंसिक साइंस और माइथोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। मैं इस पूरे सीरीज़ को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिस वजह से ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। मैं सीरीज़ में दिखाए गए छोटे मोटे डिटेल्स पर बातें नहीं करूंगा और इस पूरी वीडियो के दौरान मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट पर होगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इस सीरीज से रिलेटेड थोड़ी बहुत थियरीज भी बताऊंगा, तो अगर आप उन थियरीज को मिस करना नहीं चाहते तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को आई क्लीन ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आई क्लीन ऐप की मदद से आप अपने फोन के जंक फाइल्स को इजीली क्लीन कर सकते हैं, जो कि आपके फोन में कई जीबी का स्पेस खाते रहते हैं। इतना ही नहीं, आई क्लीन की मदद से आप अपने फ़ोन की मेमोरी बूस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके गेम्स और आपके ऐप्स काफ़ी स्मूथली रन होंगे। गेमिंग के लिए इस ऐप में स्पेशली एक गेम बूस्टर दिया गया है, जहां आपको अपने फेवरेट गेम्स ऐड करने हैं और बस आपकी गेम्स पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। इन सब के अलावा आई क्लीन में आपको एंटीवायरस, बैटरी सेवर और व्हाट्सएप क्लीनर जैसी फीचर्स भी मिल जाती है, तो देर किस बात की, जल्दी से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई पहले लिंक पर क्लिक करके आई क्लीन ऐप को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कीजिए। अगर ऐप पसंद आती है तो इसे प्ले स्टोर पे 5-स्टार रेटिंग भी ज़रूर दीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले एपिसोड की शुरुआत 11 साल पहले वाराणसी में होती है, जहां एक पंडित और उसका बेटा एक आदमी की पूजा में मदद कर रहे होते हैं और बोट में घर लौटते वक्त वो पंडित बोट से गिरकर मर जाता है। पंडित के मौत के बाद उसका बेटा अघोड़ियों के पास जाता है और इस सीन को देखकर ऐसा लगता है मानो उस लड़के को अपने पिता के खोने का कोई दुख नहीं था। खैर, सीन अब प्रेजेंट को शिफ्ट होती है, जहां निखिल नायर नाम का एक आदमी FBI में फोरेंसिक साइंस का एक प्रोफेसर होता है, जिसके पास उसका दोस्त अर्जुन आकर उससे एक केस में उसकी मदद मांगता है। निखिल एक बहुत ही उम्दा फॉरेंसिक एक्सपर्ट था और उसे उसके काम से काफ़ी लगाव था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ नैना कुछ खास खुश नहीं थी, क्योंकि निखिल अपने काम को अपनी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। मीनवाइल इंडिया में एक मास्क पहना हुआ आदमी एक औरत की बुरी तरह से हत्या कर देता है और वो बॉडी को कुत्तों के पास छोड़ आता है। निखिल को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स थे और निखिल इन्हें अपने दोस्त लोलार्क को भेज देता है, जो कि CBI के लिए काम करता था। इस लोकेशन पर लोलार्क को एक बुरी तरह डिकम्पोज्ड बॉडी मिलती है, जिस पर एक मास्क लगाया हुआ था। ऐसे कोऑर्डिनेट्स निखिल को थर्ड टाइम मिले थे और पहली दो बार भी कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने पर CBI को डेड बॉडीज ही मिली थी। इस केस पे CBI के टॉप फोरेंसिक एक्सपर्ट धनंजय राजपूत और उनकी कलीग नुसरत काम कर रहे होते हैं, जो नोटिस करते हैं कि सारे डेड बॉडीज में राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को काट लिया गया है और किलर धनंजय राजपूत और DJ को टॉन्ट करते हुए एक CD भेजता है, जिसमें वो हिंदू मिस्टिसिज्म की बातें करता है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि निखिल पहले CBI में काम करता था, पर वो DJ की वजह से CBI से रिज़ाइन कर चुका था। एनीवेज, लोलार को किलर के द्वारा इस्तेमाल की गई कार मिलती है और DJ इसे इंस्पेक्ट करने जाता है, पर कार को खोलते ही कार में आग लग जाती है। DJ अपने घर लौटता है, जहाँ उसे अपनी वाइफ संध्या के सेलफोन से टेक्स्ट आता है और उसने DJ के लिए एक सरप्राइज भेजा था। DJ को घर के बाहर एक ऑनवलप मिलता है, जिसमें एक पेन ड्राइव होती है और इसे प्ले करने पर DJ देखता है कि CBI को मिली रीसेंट बॉडी और किसी की नहीं, बल्कि DJ की वाइफ संध्या की ही थी। पहले एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
एपिसोड 2 की कहानी 18 साल पहले वाराणसी में होती है, जहां हम व्यूअर्स देखते हैं कि एक बच्चा अघोड़ियों के पास जाता है। इस बच्चे का नाम शुभ होता है, जिसे उसके पिता राधाचरण असुर कह के बुलाते थे, क्योंकि शुभ के पास मिराकुलस गिफ्ट्स थी, जैसे कि वो किताबों के पन्नों को देखकर ही सब पढ़ लेता था और उन्हें याद भी कर लेता था। शुभ की माँ उसके जन्म के बाद ही मर चुकी थी, जिसकी वजह से राधाचरण शुभ को असुर यानी दैत्य समझते थे। और दोस्तों, राधाचरण वही हैं जिनकी मौत पहले एपिसोड में बोट से गिरने पर पानी में डूबकर हुई थी। खैर, राधाचरण के इसी बर्ताव के कारण शुभ अपने पिता पर गुस्सा होता था और इसी गुस्से में वो एक कुत्ते को जलाकर मार डालता है। खैर, सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां डीजे किलर के भेजे हुए अपने वाइफ की मर्डर वीडियो को देखकर किलर पर बने हुए एक टैटू को नोटिस करता है। और इसी बीच केस को टेक ओवर करने निखिल भी यूएस से इंडिया आ जाता है। निखिल ये टैटू देखकर कहता है कि ये नागा ट्राइब का टैटू है। और दूसरी तरफ नागालैंड पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है, जिसके पास वही मास्क मिलता है जो कि किलर ने संध्या की डेड बॉडी के पास छोड़ा था। डीजे निखिल को बताता है कि संध्या का अफेयर चल रहा था और वो डीजे से डिवोर्स चाहती थी। मीनवाइल नुसरत नागालैंड जाती है ताकि वो बॉडी को इंस्पेक्ट करके एविडेंस कलेक्ट कर सके। सीबीआई में एक और बंदा होता है जिसका नाम रसूल था और वो हैकिंग का काम करता था। रसूल लोलार को बताता है कि सीसीटीवी फुटेज से ये पता चलता है कि किलर के पास संध्या के किचन की चाबी थी, और इतना ही नहीं, संध्या के कार में एक हिडन जीपीएस भी मिला था। एनीवेज, नागालैंड से मिले बॉडी को आइडेंटिफाई करने पर सीबीआई को पता चलता है कि इस आदमी का नाम लाल थनजारा था, जिसकी मौत किसी जहर से हुई थी, और ये वही है जिसने संध्या को मारा था, क्योंकि उसके बॉडी पर नागा ट्राइब का टैटू बना हुआ था। लाल की ऑटोप्सी के समय निखिल और नुसरत ये कंक्लूजन निकालते हैं कि किसी ने लाल का प्लान्ड मर्डर किया था। निखिल और नुसरत के बातों के दौरान नुसरत निखिल को बताती है कि संध्या की ऑटोप्सी के दौरान उसे पता चला था कि संध्या ने रिसेंटली अबॉर्शन किया था। ये सुनकर निखिल डीजे पे शक करने लगता है। और दूसरी तरफ रसूल को पता चलता है कि संध्या के कार में मिली जीपीएस और उसके फ़ोन का डायरेक्ट कनेक्शन डीजे के कंप्यूटर से है। जब सारे सबूत डीजे की तरफ इशारा करते हैं, तो निखिल के कहने पर रसूल लाल की ट्रैवल हिस्ट्री चेक करता है और उससे पता चलता है कि लाल कुछ दिन पहले दिल्ली आया था, और निखिल का मानना था कि लाल दिल्ली डीजे से मिलने आया था। निखिल लाल के घर मिले कैश को फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजता है, जिसमें डीजे के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। इतना ही नहीं, लाल को आजमा था और उसके बॉडी के पास जो आजमा पंप मिला था, उसमें बारब्यूट्रेट्स के सैंपल मिलते हैं। निखिल का मानना था कि ऐसे प्लान्ड मर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सपर्ट फोरेंसिक साइंस की ज़रूरत है, और डीजे वॉज द बेस्ट इन हिज फील्ड। निखिल डीजे से बात करता है, पर डीजे कहता है कि कोई उसे फंसा रहा है। फाइनली सीबीआई के हेड शशांक डिसाइड करते हैं कि डीजे को अरेस्ट किया जाएगा, और हम व्यूअर्स देखते हैं कि कोई डीजे और पूरी सीबीआई टीम पर नज़र रख रहा है, जिसके पास ढेर सारे कंप्यूटर्स हैं, और इस बंदे के पास किलर का मास्क भी होता है। एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत 18 साल पहले वाराणसी में होती है, जहां शुभ के दादाजी नीलकंठ जोशी उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं, और वहां डॉक्टर कहते हैं कि शुभ का आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई है। शुभ डॉक्टर को कहता है कि वो बड़ा बनकर असुर बनना चाहता है, और उसकी ऐसी बातों को सुनकर डॉक्टर शुभ के दादाजी से कहते हैं कि उन्हें राधाचरण से बात करके समझाना होगा कि वो शुभ से ऐसी बातें ना करें। डॉक्टर का कहना था कि शुभ के पास ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं और शायद उसे हाइपरलेक्सिया है। मीनवाइल शुभ हॉस्पिटल के एक रूम में जाता है, जहां उसे एक स्केलेटन मिलता है, और वो गुस्से में अपने पिता के बारे में सोचता है और उस स्केलेटन के राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को तोड़ देता है। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां निखिल के फ़ोन पर 3 कोऑर्डिनेट्स आते हैं, जिसके लोकेशंस ट्रेस करने पे पता चलता है कि ये कोलकाता के साल्ट लेक, दिल्ली के मार्केट और गुरुग्राम में सिकंदरापुर के हैं। पहले कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने पर पुलिस को कोलकाता में एक आदमी की लाश मिलती है, जिसकी मौत उसके कार में ही हुई थी। किलर ने कार के एग्जॉस्ट पाइप को टैम्पर कर दिया था, जिससे कार में गैस भर गई थी और उसी गैस से उस आदमी की मौत हुई। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो आदमी एक बहुत ही अच्छा इंसान था, और ये बात सीबीआई टीम को कंफ्यूज करती है कि किलर रैंडम लोकेशन पे रैंडम विक्टिम्स को क्यों टारगेट कर रहा है। एनीवेज, जेल में डीजे एक पेन और पेपर मांगता है, पर उसे चॉक मिलता है, और वो जेल में ही किलर को एनालाइज करने लगता है। दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने के बाद पुलिस गुरुग्राम में एक ग्रेवयार्ड के पास पहुंचती है, जो कि सालों से यूज़ नहीं किया गया था।
सीबीआई टीम को भी दिल्ली मार्केट में एक कॉफिन मेकर का शॉप मिलता है, पर उसमें कुछ नहीं होता और वहां एक 9 आवर्स का टाइमर लगा हुआ था। निखिल रियलाइज करता है कि इस बार किसी जिंदा आदमी को दफनाया गया है और सीबीआई टीम कॉफिन ओनर के डिटेल्स निकालने लगते हैं। इसी बीच निखिल फिर से लाल के घर से मिले कैश को फिंगरप्रिंट्स के लिए टेस्ट करता है और वो नोटिस करता है कि नोट्स में डीजे के सिर्फ थंब के प्रिंट्स हैं पर इंडेक्स फिंगर के नहीं, और निखिल को शक होने लगता है कि कोई जानबूझकर डीजे को फ्रेम कर रहा है। खैर, सीबीआई टीम को कॉफिन के ओनर का नाम और एड्रेस पता चलता है और ओनर की वाइफ बताती है कि जॉर्ज कभी कभी ऐसे ही चला जाता है और फिर वापस घर आ जाया करता है। निखिल जॉर्ज के फ़ोन नंबर को ट्रैक करने के लिए कहता है और उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज की लास्ट लोकेशन ग्रेवयार्ड में थी। निखिल और उसकी टीम ग्रेवयार्ड पहुंच जाते हैं जहां उसे शक होता है कि शायद जॉर्ज वहां पर रखे एक कार में कैद है। कार को खोलने पर निखिल को जॉर्ज बेहोश और बंधा हुआ मिलता है और जब जॉर्ज को होश आता है तो वो कहता है कि उसने पिछली रात शैतान को देखा था जिसने एक मास्क पहना हुआ था। जॉर्ज का कहना था कि उस मास्क्ड आदमी ने जॉर्ज से उसकी फैमिली की सेफ्टी के बदले उसकी मदद मांगी थी, विच इज़ वाई जॉर्ज हेल्प्ड हिम। जॉर्ज ने उसके लिए एक 10 फीट का कॉफिन बनाया था जिसमें उस आदमी ने एक जिंदा आदमी को बेहोश करके बंद कर दिया था। अब निखिल समझ जाता है कि वो 9 आवर्स का टाइमर उस आदमी के लिए लगाया गया था जिसे किलर ने जिंदा बड़ी किया है, क्योंकि कॉफिन में ऑक्सीजन को खत्म होने में लगभग 9 घंटे ही लगेंगे। जॉर्ज निखिल से यह भी कहता है कि उस मास्क्ड आदमी ने जॉर्ज को बेहोश कर दिया था और उसे कॉफिन के लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता। तभी निखिल को जेल से डीजे का फोन आता है जो निखिल को बताता है कि वो खतरे में है, क्योंकि किलर जानबूझकर निखिल को कोऑर्डिनेट्स भेज रहा है ताकि निखिल यूएस से इंडिया आ जाए, क्योंकि द किलर वॉन्टेड समथिंग फ्रॉम निखिल। निखिल डीजे की बातों को इग्नोर करता है और जॉर्ज को घर भेज देता है। निखिल और उसकी टीम ग्रेवयार्ड में 10 फीट के कॉफिन को ढूंढने लगते हैं और निखिल को ग्रेवयार्ड में ड्रैग मार्क्स दिखते हैं। इस जगह को खोदने पर उन्हें एक कॉफिन मिलता है जिसे खोलने पर कुछ डिस्क कॉफिन से शूट होते हैं जो सभी को हिट करते हैं और इनसे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी उस कॉफिन से एक आदमी निकलता है जो कि ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था और हम भी उसको पता चलता है कि शायद यही वो किलर है। अगले सीन में हम निखिल को देख पाते हैं और वो एक रूम में बेहोश पड़ा हुआ था। एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत 11 साल पहले होती है जहां हम देखते हैं कि शुभ और राधाचरण ने जिसके लिए पूजा की थी वो और कोई नहीं बल्कि डीजे थे। जब पुलिस को वाराणसी में राधाचरण की बॉडी पानी से मिली तो डीजे ने बॉडी देखकर ये कहा था कि राधाचरण की मौत डूबने से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। जब डीजे ने शुभ से बात करने की कोशिश की तो शुभ बहुत ही अजीब बिहेव करता है और वो कर्मा के बारे में बातें करने लगता है। खैर, प्रेजेंट में हम व्यूअर्स देखते हैं कि निखिल लापता है और सीबीआई वाले उसे ढूंढ रहे हैं। इसी बीच निखिल की वाइफ और बेटी भी इंडिया आ चुके हैं और वो निखिल के लिए वरीड है। दूसरी तरफ जब निखिल को होश आता है तो फ़ोन पर उसकी बात किलर से होती है और उनकी बातों से निखिल को पता चलता है कि किलर निखिल को यूएस से फॉलो कर रहा था। निखिल को किलर ने एक रूम में बंद कर रखा था और किलर निखिल को रिया और नैना के नाम से थ्रेटन करता है। दरअसल किलर चाहता था कि निखिल उसकी मदद करे ताकि वो अभिलाषा चंद्र नाम के एक न्यूरो साइंटिस्ट को मार सके। निखिल हेल्पलेस फील करता है और वो अपने फोरेंसिक साइंस के नॉलेज से किलर को अभिलाषा को मारने में हेल्प करता है। निखिल के प्लान के अनुसार किलर को अभिलाषा के टाइटेनियम टूथ कैप को आयरन टूथ कैप से बदलना होगा, क्योंकि अभिलाषा हर रोज अपने एक्सपेरिमेंट से पहले अपने मशीन्स खुद चेक करती है और आयरन टूथ कैप जब मशीन के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगा तो वो बुलेट जैसे फंक्शन करेगा। निखिल किलर से ये भी कहता है कि अगर वो बॉडी को पानी में डालेगा तो एविडेंस डाइल्यूट हो जाएगा और किलर ऐसा ही करता है। लोलार को इस बार कोऑर्डिनेट्स आते हैं जिसे फॉलो करने पर सीबीआई टीम को पानी में अभिलाषा की लाश मिलती है, पर क्योंकि ये एक अंडरवाटर क्राइम सीन था तो नुसरत डीजे की मदद चाहती है क्योंकि उनके पास ऐसे केसेस का एक्सपीरियंस नहीं था। लोलार को नुसरत अनऑफिशियली डीजे को जेल से निकलवा कर वहाँ लाते हैं और डीजे कहता है कि ये मर्डर निखिल ने प्लान किया है और इस मर्डर के थ्रू निखिल उन तक एक मैसेज पहुँचाना चाह रहा है। डीजे को ऐसा लगता है क्योंकि निखिल ने डीजे के साथ जो पहला केस सीबीआई ज्वाइन करने के बाद सॉल्व किया था वो असल में एक अंडरवाटर क्राइम सीन में हुआ था। एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 5 की शुरुआत 10 साल पहले वाराणसी में होती है जहां शुभ को अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है और जेल में शुभ अपने मिस्टिसिज्म का ज्ञान जेल के कुछ कैदियों को देता है।
जेल में शिव के कुछ फॉलोअर्स बनने लगते हैं और उनका एक रिलीजियस कल्ट बन जाता है जिसमें लोग ब्लड सैक्रिफाइसेस इत्यादि देने लगते हैं। प्रेजेंट में निखिल किलर्स रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे के थ्रू सिगरेट मांगता है क्योंकि उसके विथड्रॉल सिम्टम्स शुरू होने लगे थे, पर किलर निखिल को कुछ पैरासीटामोल के टैबलेट्स देता है। किलर आकर निखिल से उस कमरे में मिलता भी है और निखिल उसे एनालाइज करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डीजे जेल में केसर नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर था और केसर को हिंदू माइथोलॉजी की काफ़ी नॉलेज होती है। सीबीआई के चीफ शशांक ने अनऑफिशियली डीजे को केस पर वापस डाल दिया था और डीजे जेल में ही केस पर काम करने लगता है। डीजे के टीम में समर्थ नाम का एक यंग साइकोलॉजिस्ट भी शामिल होता है जो विक्टिम्स के बीच लिंक ढूंढने के लिए उनके हॉरोस्कोप्स मैच करने के लिए सजेस्ट करता है। मीनवाइल रिया और नैना के लिए पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और लोलार केस पर इन्वेस्टिगेट करते हुए यशवंत नाम के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से मिलता है जिससे उसे शुभ के बारे में पता चलता है। यशवंत लोलार को बताता है कि शुभ ने अपने पिता की हत्या की थी पर जेल में 2008 में एक फायर की वजह से उसकी और तीन कैदियों की मौत हो गई थी। जब लोलार्क डीजे को शुभ के बारे में बताता है तो डीजे के उस केस के बारे में याद आता है। दोस्तों जब 10 साल पहले शुभ को अरेस्ट किया गया था तो शुभ ने डीजे को टॉन्ट करते हुए एक तरह से थ्रेटन किया था और डीजे को शक होने लगता है कि शुभ जिंदा है और वही ये मर्डर्स कर रहा है। दूसरी तरफ निखिल उस रूम में टीवी के थ्रू एनालॉग सिग्नल के ट्रांसमिशन की मदद से अपनी लोकेशन को जानने की कोशिश करता है और तभी किलर निखिल को अपना नेक्स्ट टारगेट की पिक्चर और डिटेल्स भेजता है जो कि काफ़ी फेमस बंदा था। एपिसोड 5 की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो एपिसोड 6 की कहानी एक साल पहले कोल्हापुर में शुरू होती है जहाँ एक बूढ़ा पेंटर एक असुर काली की पेंटिंग बना रहा होता है और वो अपने पोते को माइथोलॉजी की कहानियाँ सुनाता है। जब उसका पोता सोने चला जाता है तब एक मास्क्ड आदमी आकर उस पेंटर की हत्या कर देता है और वो किलर किसी मैसेज की बातें करता है। खैर सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां किलर निखिल को आदित्य जलान नाम के एक अमीर बंदे को मारने की प्लानिंग करने का असाइनमेंट देता है, पर निखिल का कहना था कि आदित्य को मारना इम्पॉसिबल है क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। दूसरी तरफ डीजे इंडोनेशिया के एक टीचर से बात करता है जो कि डीजे को उस मास्क के बारे में बताते हैं और हमें पता चलता है कि ये मास्क एक बैलिनीज मास्क है जो कि डेविल को सिंबलाइज करता है। नुसरत भी शुभ के पुराने फोटो पर एज प्रोग्रेशन अप्लाई करके उसके प्रेजेंट शक्ल को सॉफ्टवेयर के थ्रू कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और लोलार्क शुभ के पास्ट को इन्वेस्टिगेट करते हुए शुभ के दादाजी नीलकंठ जोशी के पास पहुँचता है। नीलकंठ जोशी लोलार्क को शुभ के स्केचबुक्स दिखाते हैं जिसमें शुभ ने बचपन में शैतान असुर इत्यादि के ड्राइंग्स बनाए थे। नीलकंठ जोशी लोलार्क को बताते हैं कि उनके बेटे राधाचरण को एक ऐसा बेटा चाहिए था जो देवों के नक्षत्र में पैदा हुआ हो और इसीलिए वो अपने अजन्मे बेटे की कुंडली बनाकर अपनी बीवी सविती के प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दुर्घटना की वजह से शुभ का जन्म तारीख से पहले हो गया और क्योंकि शुभ का जन्म असुरों के नक्षत्र में हुआ था तो राधाचरण शुभ को असुर मानते थे। शुभ के दादाजी लोलार्क को दिति अदिति और ऋषि कश्यप की कहानी सुनाते हैं जिससे प्रेरित होकर राधाचरण ने अपने बेटे के जन्म को कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। इस मिथिकल कहानी के हिसाब से दिति और अदिति दोनों ऋषि कश्यप की बीवियां थी, पर अदिति के पुत्र देव बने तो दिति के संतान दैत्य, और ये सब भिन्न नक्षत्र में पैदा होने के कारण हुआ था। दूसरी तरफ डीजे केसर से बात करता है और केसर डीजे को बताता है कि सुर असुर एक कॉन्सेप्ट है क्योंकि ह्यूमन माइंड में गुड और इविल दोनों हैं और ये डिपेंड करता है कि वो अच्छे काम करके सुर बनना चाहता है या बुरे काम करके असुर। इसके अलावा केसर अब तक के सारे मर्डर्ड विक्टिम्स की हॉरोस्कोप देखकर ये बताता है कि सारे लोग धनिष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए थे और सबकी कुंडलियों में ये लिखा गया था कि वो दुनिया में बहुत अच्छे काम करेंगे। रसूल डीजे से कहता है कि नेशनल इन्फोमेट्रिक सेंटर के डेटाबेस में सारे लोगों के बर्थ प्लेस बर्थ टाइम इत्यादि स्टोर रहता है जिसे यूज़ करके किलर धनिष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को ही मार रहा है, और ये सुनकर डीजे निखिल की वाइफ नैना से इसे हैक करने के लिए बोलता है। नैना NIC के डेटाबेस को हैक करने में सक्सेसफुल हो जाती है और रिकॉर्ड्स को देखकर डीजे इंट्यूटिवली कहता है कि अगला टारगेट आदित्य जलन होगा क्योंकि वो एक फेमस बंदा है और किलर को अगर अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है तो वो किसी फेमस आदमी को टारगेट करेगा। इसके अलावा आदित्य रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी चर्चित था क्योंकि उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दी थी, और इससे ये पता चलता है कि आदित्य एक बहुत ही अच्छा इंसान था और किलर ऐसे ही लोगों को टारगेट करता है।
दूसरी तरफ निखिल को टीवी के एनालॉग सिग्नल की ट्रांसमिशन से अपनी लोकेशन पता चल गई थी और उसे मालूम पड़ चुका था कि वो दिल्ली में ही कहीं है। निखिल आदित्य को मारने में किलर की मदद भी करता है और एक प्लान बनाता है। मीनवाइल डीजे और सीबीआई टीम आदित्य को वार्न करने की कोशिश करते हैं पर आदित्य उनकी बातों को इग्नोर करता है। डीजे और उसकी टीम को किलर का फोन आता है और वो डीजे से कहता है कि वो आदित्य को 12 बजे उसकी इंगेजमेंट पार्टी में मार डालेगा। डीजे आदित्य के सिक्योरिटी बढ़ा देता है और रसूल को सिक्योरिटी टीम में डालता है। पार्टी में आदित्य को कुछ भी बिना टेस्टिंग के नहीं दिया जाता पर निखिल को पता था कि सिक्योरिटी टाइट होगी, इसलिए उसने किलर को एक बॉम्ब के थ्रू डिवर्जन बनाने के लिए कहा था। यह बॉम्ब एक टॉय ट्रक में था जिसे सिक्योरिटी ट्रेस कर लेती है और उस टॉय ट्रक को फ्रीजर में डाल देती है टू कंटेन द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के बाद सब रिलैक्स्ड हो जाते हैं और तभी अचानक से लाइट चली जाती है और लाइट के वापस आने पर सब आदित्य को मरा हुआ पाते हैं, जिसकी सभी विक्टिम्स की तरह राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर कटी हुई थी। आदित्य की बॉडी को देखकर सब डर जाते हैं और उसकी डेड बॉडी को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे जहर देकर मारा गया है। एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाती है। एपिसोड 7 की शुरुआत 10 साल पहले एक जेल में होती है जहां शुभ और निखिल की मुलाकात होती है और शुभ को निखिल काफी पसंद आने लगता है क्योंकि निखिल शुभ से काफी अच्छे और इज्जत से बात करता है। निखिल का शुभ के लिए कॉम पैसेंड देखकर शुभ को अच्छा लगता है क्योंकि शुभ को बचपन से ही राधाचरण ने सिर्फ नफरत ही किया था। खैर, सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां आदित्य की ऑटोप्सी से ये पता चलता है कि उसे अल्सर था और इसीलिए वाइन में मिला न्यूरोटॉक्सिन डायरेक्टली खून में मिलने के कारण आदित्य की तुरंत ही मौत हो गई। पर क्योंकि पार्टी में बाकी लोगों को अल्सर नहीं था और न्यूरोटॉक्सिन उनके खून में नहीं मिला था तो उन पर कोई असर नहीं हुआ। ऑटोप्सी में दो और केमिकल्स भी मिलते हैं और डीजे को लगता है कि ये दो एक्स्ट्रा केमिकल्स निखिल ने उनके लिए मैसेज के तौर पर यूज़ किया है। दूसरी तरफ निखिल की किलर से जब बात होती है तो वो मिस्टिसिज्म से रिलेटेड बातें करता है और निखिल को शुभ के केस की याद आती है। इस कॉन्वर्सेशन के बाद निखिल को ऐसा लगने लगता है कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि शुभ जोशी है। मीनवाइल केजर डीजे को किलर को समझने में मदद करता है और वो कहता है कि किलर खुद को किसी प्रकार का मिथिकल डीमन समझता है और वो ये सब मर्डर्स करके विष्णु को कल्कि के रूप में अवतरित होने के लिए मैसेज भेज रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो उस बूढ़े पेंटर को मारते वक्त किलर किसी मैसेज के बारे में बातें कर रहा था और असल में वो इन अच्छे लोगों को मारकर विष्णु को कल्कि के रूप में जन्म लेने के लिए मजबूर करना चाहता था। इतना ही नहीं, जब केसर शुभ का हॉरोस्कोप चेक करता है तो उसे पता चलता है कि शुभ की कुंडली कली नाम के एक असुर से मिलती है और ये सब जानकर डीजे और भी श्योर होने लगता है कि शुभ जिंदा है और वही किलर है। इसी बीच लोलार के एक लैंग्वेज एक्सपर्ट के पास जाकर केसर के मोटिवेशनल पॉडकास्ट और उसके जेल के स्पीचेस के रिकॉर्डिंग्स को स्टडी करने के लिए देता है और उनसे ये पता चलता है कि ये एक्चुअली दो इंसान हैं। यानी कि केसर के पॉडकास्ट वो खुद नहीं बल्कि कोई और रिकॉर्ड करता है और ये बात जानकर लोलार को केसर पे शक होने लगता है। मीनवाइल सीबीआई टीम को एनआईसी के हैक डेटाबेस से पता चलता है कि किलर ने अगले विक्टिम को चुन लिया है जिसका नाम राधिका और नीरज होता है। राधिका एक जर्नलिस्ट थी और नीरज एक लेफ्टिस्ट और उनके मर्डर से लोगों में और अफरा तफरी मच जाती, इसीलिए उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। इसी बीच किलर से रिक्वेस्ट करने के बाद निखिल किलर को नैना से फ़ोन पर बात करने के लिए अलाउ करता है, जिसमें निखिल अजीब तरीके से बात करता है और नैना इसे रिकॉर्ड करके डीजे को सुनाती है। डीजे यह सुनकर कहता है कि निखिल उन्हें मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जो ये था कि वो कहीं और नहीं बल्कि यहीं दिल्ली में है। डीजे को आदित्य के बॉडी से मिले वो दो एलिमेंट्स याद आते हैं और वो उनके एटॉमिक वेट्स नोट करता है। जब इन नंबर्स को सर्च किया जाता है तो डीजे को पता चलता है कि ये एक जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं और सीबीआई की टीम इस एरिया में निखिल को ढूंढने के लिए जाते हैं। डीजे एनआईसी के डेटाबेस को बंद करने की परमिशन चाहता है ताकि वो किलर को नेक्स्ट विक्टिम्स ढूंढने से रोक सके, पर अथॉरिटीज़ इस बात को नहीं मानते। मीनवाइल लोलार्क डीजे को केसर के सीरीज के बारे में बताता है और अब डीजे को केसर पे शक होने लगता है। किलर एनआईसी के डेटाबेस को फिर से यूज करता है और ओमार सैयद नाम के एक मुस्लिम क्लर्क को टारगेट करता है और इस बात का नोटिफिकेशन नैना को आता है क्योंकि नैना ने डेटाबेस में एक ट्रैकर लगा दिया था। जब ये बात नैना डीजे को बताती है तो डीजे नैना से उसका नाम डेटाबेस में डालने के लिए कहता है क्योंकि डीजे को लगता है कि अगर किलर शुभ है तो वो डेटाबेस में डीजे का नाम देखकर उसे टारगेट ज़रूर करेगा। नैना ना चाहते हुए भी डीजे का नाम डेटाबेस में ऐड कर देती है और किलर जब डेटाबेस को नेक्स्ट टाइम यूज़ करता है तो वो डीजे को अपना नेक्स्ट टारगेट बनाता है।
किलर डीजे की फोटो और उसके डिटेल्स निखिल को भेजता है ताकि निखिल डीजे का मर्डर प्लान कर सके। इसी दौरान सीबीआई और पुलिस डीजे के बताए कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करके एक एरिया में पहुंचते हैं जहां उन्हें कई खाली और पुरानी बिल्डिंग्स मिलती है। इनमें से एक बिल्डिंग में उन्हें काफ़ी कंप्यूटर और मशीन्स मिलते हैं और तभी वहां किलर आकर उन पुलिस वालों को शूट कर देता है। एपिसोड 7 की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब असुर वेब सीरीज की फाइनल एपिसोड की कहानी 10 साल पहले शुरू होती है जहां हम निखिल और डीजे को शुभ के केस के बारे में बहस करते देखते हैं। असल में शुभ एक जुवेनाइल था पर डीजे ने उसकी बर्थ सर्टिफिकेट फैब्रिकेट करके उसे 18 ईयर्स का साबित कर दिया था जिसकी वजह से शुभ को जेल भेजा गया वरना वो जुवेनाइल होम जाता। और इस बात से निखिल परेशान था क्योंकि एक तो ऐसा करना गलत है और दूसरी बात ये कि जेल भेजने से शुभ के साइकी पर गलत असर पड़ता क्योंकि शुभ अभी भी काफ़ी छोटा था। पर डीजे का कहना था कि शुभ बहुत डेंजरस है और उसने अपने पिता को जहर दे के मार दिया है, ऐसे इंसान का सोसाइटी में रहना सेफ नहीं है। इसी बात से निखिल सीबीआई से रिज़ाइन करके यूएस चला गया था और वहाँ एफबीआई में प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करने लगा था। खैर सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ नीरज, राधिका और ओमर मिसिंग थे और किलर ने उन्हें एक कंटेनर में बंद कर दिया है जिसमें उनके सर्वाइवल के लिए उतना ही ऑक्सीजन है जिससे वो 3 लोग 12 घंटे तक सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरी तरफ डीजे रसूल और लोलार को केसर के घर भेजता है और नैना को रिसर्च करने में पता चलता है कि केसर का 2008 से पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। इसके अलावा केसर ने अपना फेक बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाया था और इस बात से डीजे को लगने लगता है कि केसर ही शुभ है। मीनवाइल किलर निखिल को रिया के नाम से थ्रेटन करता है जिसके बाद निखिल किलर को डीजे को मारने का प्लान बता देता है और किलर प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी करने लगता है। इसी बीच निखिल खुद को हर्ट करता है और वो किलर से कहता है कि उसे नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है जिसके बाद किलर निखिल को एक ग्लास पानी लाकर देता है। निखिल पानी को फेंक देता है और वो किलर के द्वारा दिए गए पैरासीटामोल टैबलेट्स को क्रश करके एक पाउडर बनाता है। इस पाउडर को निखिल ग्लास के ऊपर ब्लो करके एक प्लास्टिक शीट की मदद से ग्लास पर से किलर की फिंगरप्रिंट्स निकाल लेता है और इसकी मदद से निखिल उस कमरे के लॉक को खोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। रूम से बाहर आकर निखिल देखता है कि वहाँ ढेर सारे मशीन्स और कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड हैं और किलर का कोई अता पता नहीं जो कि डीजे को मारने के लिए जेल जा चुका था। मीनवाइल लोलार्क रसूल के हाथ पे एक बर्न मार्क देखता है और लोलार्क को रसूल पे शक होने लगता है। दूसरी तरफ किलर जेल जा पहुँचता है जहाँ वो दूसरे कैदियों के साथ बॉल से खेलने लगता है और जब बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती है तो हम देखते हैं कि एक आदमी आकर उस बॉल को एक्सचेंज कर देता है। इस नए बॉल के अंदर बॉम्ब बनाने का सामान होता है जिसकी मदद से किलर बॉम्ब बनाकर जेल में डाइवर्जन क्रिएट करना चाहता था और किलर इसी तैयारी में लग जाता है। नैना केसर को एक फिटबिट के थ्रू ट्रैक कर लेती है और उस लोकेशन पर लोलार्क और रसूल पहुंचते हैं जहां उन्हें केसर एक कार के अंदर मिलता है। सीबीआई टीम केसर को अरेस्ट करती है और तभी लोलार्क को एक कॉल आता है जिसमें उसे एक लीड मिलती है और रसूल लोलार्क के साथ जाना चाहता है। इसी बीच कंटेनर में कैद राधिका, नीरज और ओमर लड़ने लगते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कंटेनर में अचानक से गिर जाता है और टाइमर भी तेजी से चलने लगता है। खैर कार में लोलार्क रसूल से कुछ सवाल जवाब करता है और रसूल के पास्ट के बारे में पूछता है। लोलार्क रसूल से उसके एक फ्रेंड से बात कराने के लिए भी कहता है पर उसे रसूल के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता। दरअसल दोस्तों अगर आपको याद हो तो लोलार्क को पता चला था कि 2008 में जेल में आग लगने के कारण रिकॉर्ड्स में ये लिखा था कि शुभ और 3 कैदी जलकर मारे गए थे। तो जब लोलार्क रसूल के हाथ में बर्न मार्क देखता है तो उसे लगने लगता है कि रसूल ही शुभ है, पर जब कुछ प्रूफ नहीं मिलता तो वो रसूल से माफ़ी मांगता है। रसूल बहुत ही कोल्डली बिहेव करता है और वो कहता है कि जो लीड लोलार्क को मिला था वो इस रास्ते में है और ये बात सुनकर लोलार्क शॉक हो जाता है क्योंकि रसूल को लीड के बारे में नहीं पता था। मीनवाइल किलर जेल में बॉम्ब प्लांट कर देता है और बॉम्ब के एक्सप्लोजन से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच निखिल जेल अथॉरिटीज़ को फ़ोन करके वार्न करता है पर सभी वहां पे पैनिक स्टेट में थे क्योंकि वहां अभी जस्ट एक एक्सप्लोजन हुई थी। किलर पुलिस वालों को मार देता है और डीजे के पास आ पहुंचता है पर डीजे किलर को टैकल करने में सक्सेसफुल होता है और वो उसे एक चेयर पर बांध देता है। किलर और डीजे के कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि शुभ अकेला नहीं है बल्कि उसके कई साथी हैं। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो शुभ ने जेल में एक रिलीजियस कल्ट बना लिया था और मेरा मानना है कि ये किलर शुभ का एक स्टूडेंट है। डीजे इस किलर को इंजर कर देता है और तभी डीजे को सीबीआई चीफ का मैसेज आता है कि सीबीआई टीम ने केसर को पकड़ लिया है। डीजे केसर को ट्रुथ सीरम देकर उससे क्वेश्चनिंग करता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रसूल और लोलार्क निखिल को कैद किए जाने वाली जगह पर पहुंचते हैं।
तभी लोलार की नज़र रसूल के बैग से गिरे एक नोटबुक पर पड़ती है जिसमें लोलार को वैसे ही स्केचेस मिलते हैं जैसे कि शुभ के स्केचबुक से मिले थे। रसूल लोलार पर प्रहार करता है और उसे एक चेयर में बांध देता है। रसूल लोलार को बताता है कि बचपन में एक टीचर ने उसे फेल कर दिया था जिसकी वजह से रसूल ने उसकी जान ले ली थी, और इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान रसूल लोलार को बताता है कि उसने उसे पॉइजन दे दिया है। मीनवाइल निखिल एक न्यूज़ चैनल पर राधिका, नीरज और उमार को कंटेनर में सफोकेट करते देखता है और निखिल नुसरत को फ़ोन करता है। तभी केसर डीजे को टॉन्ट करता है और डीजे रिवील करता है कि कैसे उसने शुभ के एज को फैब्रिकेट करके उसे जेल में डाला था, और ये सब कुछ रसूल और लोलार कंप्यूटर्स के थ्रू देखते हैं। केसर डीजे से कहता है कि अगर वो 3 पॉइजन पिल्स खा लेगा तो हर एक पिल के बदले केसर डीजे को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा जिससे CBI राधिका, उमर और नीरज तक पहुँच पाएंगे। डीजे केसर की बात मान लेता है और एक पिल खा लेता है जिससे केसर एक फैक्ट्री का नाम बताता है। डीजे निखिल को फ़ोन करके इस फैक्ट्री का नाम बताता है और निखिल उस लोकेशन पर जाता है। डीजे रसूल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर रसूल का फ़ोन स्विच्ड ऑफ आता है। डीजे की हालत ख़राब होने लगती है पर वो सेकंड पिल ले लेता है और केसर डीजे को कंटेनर की लोकेशन बताता है जो कि फैक्ट्री के सी विंग में था। डीजे जैसे तैसे निखिल को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन देता है और निखिल कंटेनर तक पहुँच जाता है। तभी कंटेनर के अंदर राधिका, उमर और नीरज एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और नीरज राधिका को मारना चाहता है ताकि उसके मरने से उन्हें कुछ देर के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाए। कंटेनर के बाहर निखिल लॉक को खोलने की कोशिश करता है और तभी CBI की एक टीम और नैना वहां आ पहुंचते हैं। नैना लॉक को डिकोड करने की कोशिश करती है और ये सब रसूल और लोलार कंप्यूटर्स के थ्रू देख पाते हैं। रसूल नैना को लॉक को डिकोड करने की कोशिश करते देख डर जाता है और वो नैना को फ़ोन लगाता है। रसूल वॉइस मॉडिफायर की मदद से बात करता है जिसकी वजह से उसकी असली आवाज़ सुनाई नहीं देती, और रसूल निखिल से बात करना चाहता है। रसूल निखिल से कहता है कि वो नैना को लॉक पर काम करना बंद करने को कहे और निखिल नैना को रोक लेता है। इसके बाद रसूल निखिल को बताता है कि आइदर वो राधिका, नीरज और उमार को बचा सकता है या फिर रिया को। रसूल यहाँ सुर असुर की बात करता है और निखिल रिया को सैक्रिफाइस कर देता है। दूसरी तरफ केसर भी डीजे से सुर असुर की बात कहता है पर डीजे थर्ड पिल लेकर खुद को सैक्रिफाइस करने को राजी हो जाता है। डीजे और निखिल केसर और रसूल की बात को रॉन्ग प्रूव कर देते हैं और वो ये साबित करते हैं कि वो असुर नहीं है। रसूल कंटेनर का दरवाज़ा एक प्रोग्राम के थ्रू खोल देता है और वो काफ़ी गुस्सा होता है। लोलार रसूल को टॉन्ट करता है और वो कहता है कि शुभ हार गया, और रसूल उसे गुस्से में शूट कर देता है। दूसरी तरफ डीजे के लिए डॉक्टर्स आ जाते हैं और हम देखते हैं कि रिया की बेबी सीटर उसे खाने में जहर डाल देती है जिससे रिया की मौत हो जाती है। मीनवाइल कंटेनर से बाहर निकलकर राधिका नीरज को पुलिस की गन से शूट कर देती है और नैना एंड निखिल को उनके घर पर रिया की डेड बॉडी मिलती है। केसर CBI के कस्टडी में रहता है और CBI को लगता है कि केसर ही शुभ है। इसके अलावा डीजे को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और नैना निखिल को छोड़कर चली जाती है। 2 वीक्स बाद डीजे निखिल से मिलता है और निखिल डीजे को उसकी बेटी और बाकी सब के लिए ब्लेम करता है, क्योंकि अगर डीजे ने शुभ के साथ गलत नहीं किया होता तो शायद ये सब नहीं होता। रसूल आकर निखिल को ले जाता है और जब रसूल पलट कर डीजे की तरफ देखता है तो दोनों एक इंटेंस आई लॉक शेयर करते हैं। सीरीज यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी असुर वेब सीरीज़ की कहानी, और अब मैं आपको इस सीरीज से रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर शुभ कौन था। तो मेरा मानना है कि केसर और वो किलर जिसने निखिल को कैद किया था, वो दोनों शुभ के कल्ट मेंबर्स थे, और कई लोगों का मानना है कि असली शुभ रसूल है। पर मैं इस बात से 100% कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि आखिरी एपिसोड में रसूल लोलार्क से कहता है कि वो एक बार फेल हो गया था, और जहाँ तक शुभ की बात है तो आपको याद होगा कि उसकी IQ नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा थी। तो आई डोंट थिंक कि रसूल शुभ ही है, पर आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं। नाउ देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि रसूल ही शुभ हो और वो कोई ऐसे विषय में फेल हुआ हो जिस पर वो ध्यान ही नहीं दिया था, या फिर वो डिलिबरेटली फेल होना चाहता था। अब असली शुभ कौन है ये हमें शायद अगले सीजन में देखने को मिलेगा, तो लेट्स होप कि असुर का सेकेंड सीजन जल्दी से रिलीज हो। अब दूसरी बात यह कि शुभ लोगों को क्यों मारना चाहता था, तो इसका जवाब शुभ के चाइल्डहुड में है। राधाचरण शुभ से बहुत बेरुखी से पेश आते थे जिसकी वजह से शुभ के दिमाग में गलत असर पड़ता है और वो खुद को असुर मानने लगता है। इसी कारणवश हर एक मर्डर सीन के पास हमें वो बैलिनीज डेविल मास्क देखने को मिलता है, क्योंकि शुभ खुद को डेविल समझता था। शुभ ये सब मर्डर्स करके विष्णु को कल्कि के रूप में अवतरित कराना चाहता था, और ये बात प्रूव करती है कि शुभ मेंटली कितना डिल्यूजनल हो चुका था।
आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि शुभ अपने विक्टिम्स के राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर्स क्यों काटता था, तो ये बात भी शुभ के चाइल्डहुड में है। राधाचरण जब भी शुभ को डांटते थे तो वो उस पर उंगली दिखाते थे और शुभ का सारा गुस्सा एक तरह से उसी उंगली पे फोकस हो जाता था। इसलिए शुभ बचपन में एक स्केलेटन की इंडेक्स फिंगर वाली उंगली को तोड़ दिया था और अब वो अपने विक्टिम्स के साथ भी ऐसा ही कर रहा था। शुभ का मानना था कि अगर वो अच्छे लोगों को मार देगा तो विष्णु को जबरन पृथ्वी पर आना होगा। इस सीरीज में हिंदू माइथोलॉजी से काफी स्टोरीज बोरो की गई है और शुभ इन स्टोरीज को सच मानता था। इतना ही नहीं, शुभ एक बात पर बिलीव करता था, विच वॉज एंड इज द न्यू बिगिनिंग, यानी कि लोगों को मारकर और बुराई को बढ़ाकर वो एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। शुभ के कल्ट मेंबर्स के हाथों में हमें एक इन्फिनिटी के टैटू भी देखने को मिलते हैं और यही सिंबल हमें उस कंप्यूटर में भी दिखता है जो कि निखिल को कैद किए जाने वाले रूम के पास था। असुर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें सुर असुर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है, जिसके अनुसार सारे ह्यूमंस में एक सुर है और एक असुर भी। ह्यूमंस अच्छे काम करके सुर बन सकता है या फिर बुरे काम करके असुर बन सकता है। सीरीज में डीजे भले ही एक अच्छा इंसान था पर वो शुभ के एज को फैब्रिकेट करके असुर जैसा काम करता है। इतना ही नहीं, निखिल भी भले ही एक अच्छा इंसान था पर वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए किलर की मर्डर्स प्लान करने में हेल्प करता है। सीरीज के एंड में राधिका कंटेनर से बाहर निकलती तो है पर वो नीरज को शूट कर देती है और इस एक बुरे काम से वो अपने अंदर की असुर वाली प्रकृति को जागरूक करती है। ये सीन सिंबलाइज करता है कि बुराई अब भी लोगों के मन में है और शुभ पूरी तरह से हारा नहीं है। जब तक ये बुराई लोगों के मन में है तो शुभ इसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, विच इज वाई आई थिंक कि असुर की एक सेकेंड सीजन डेफिनेटली आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ थ्योरीज ऑन द शो असुर और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। रही बात रिकमेंडेशन की, तो आई थिंक असुर की राइटिंग कुछ जगहों में थोड़ी वीक है क्योंकि इस शो में कैरेक्टर इंट्यूशन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जहां क्राइम को सॉल्व करने के लिए लॉजिक और रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसके अलावा दिस शो वॉज रियली माइंड ब्लोइंग। इट माइट बी वन ऑफ द बेस्ट टीवी सीरीज ऑफ इंडिया। I would highly recommend कि आप इसे जरूर देखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप ऐसे वीडियोस मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।